बोलो बोलो, टाइम कम है। अमृत वेला में जाना है, अमृत वेला सफल हो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? झुटका नहीं आए। जब ताबड़तोड़ विनाश शुरू हो जाएगा तो झुटका आएगा, झुटका नहीं आएगा। तो अभी क्या समझ लेना चाहिए कि विनाश सामने खड़ा है या बहुत दूर है? अगर ये समझें कि विनाश सामने खड़ा है तो तेज पुरुषार्थ हो जाएगा। अगर इस बात को झूठा समझेंगे तो अनवेलापन आएगा। माउंट आबू में जमीन नहीं खरीदेंगे तो क्या हमको जगह नहीं मिलेगी? है, अगर माउंट आबू में जमीन नहीं खरीदेंगे तो हमको तीन पैर पृथ्वी की जगह नहीं मिलेगी? है, तो जरूरी किस लिए? हाँ, ये बताया कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, बुद्धि चलती है, इसे कहाँ डालें? बैंक में डालें तो लगता है कि बैंक में फेल हो जाएंगे, सुना जा रहा है। कंपनियां फेल हो ही रही हैं। इंश्योरेंस में डालें तो बाबा कहते हैं कि जब भूकंप आएगा, जैसे भुज में गुजरात में भूकंप आया 2001 में, तो सारी इंश्योरेंस कंपनियां भाग गई, किसी से किसी का पैसा नहीं दिया, तो वो भी बेकार। तो कहाँ डालें? गोल्ड खरीद के रखे हैं तो चोर चुरा ले जाएंगे। जमीन में गाड़ के रखे हैं, जमीन कहीं हिल गई तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो बताया, इस दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदना तो बाबा ने मना कर दिया, क्योंकि ये दुनिया सब सब खलास होने वाली है। हाँ, खलास तो सारी दुनिया होगी, परंतु 100 वर्ष का संगम युग हमें जो बताया है, वो संगम युग तो चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो चलेगा, सारी दुनिया में चलेगा, या कोई ऐसा निश्चित स्थान है जहाँ चलेगा ही चलेगा? हाँ, जो बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, वो है बाप का अविनाशी घर। वो ऐसा स्थान है जहाँ याद का इतना वाइब्रेशन रहेगा कि दुनिया में भल विनाश बरपा होता रहे, लेकिन वहां विनाश का असर नहीं होगा। कब तक? वही 2036 तक। बाकी 36 के बाद तो सारी दुनिया खलास होनी होनी है। वो साकार जो परमधाम तैयार होगा, जहां ब्राह्मण संगठित रूप में बीज रूप स्टेज में रहेंगे, देवान में रहेंगे या बीज रूप स्टेज में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो वो तब तक स्थायी रहेगा। तो तब तक अगर अपना पैसा सफल करना है तो वहां डाल दो। हिंदुस्तान में हर जगह जमीन दादाद जो है वो शेयर मार्केट गिरने की वजह से दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत गिर रही है या चढ़ रही है? है? अरे गिर रही है। सारी दुनिया में शेयर मार्केट गिर जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को चलाने वाले जो हैं वो चालाक लोग हैं, शकुनी जैसे लोग हैं या भोले वाले हैं? है? शकुनी जैसे लोग हैं। तो शेयर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है,
इसलिए सब धंधों में है नुकसान। जब सब धंधों में नुकसान हो रहा है तो शेयर मार्केट गिरने के कारण सारी दुनिया की प्रॉपर्टी की कीमत डाउन हो रही है। तो दुनिया में खरीदने से फायदा है? चलो बाबा ने तो मना किया, वो बात एक तरफ रखो, वैसे भी दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन माउंट आबू का जो पहाड़ है वो ऐसा ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ पहाड़ है जो बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो वो हिलने वाला नहीं है। लास्ट में जब सारा इकट्ठा विस्फोट होगा, जैसे दीपावली मनाते हैं तो बच्चे छुटपुट 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 फटक्के छुड़ाते रहते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, थक जाते हैं तो सारे झोंक देते हैं। जैसे दशहरा मनाते हैं तो रावण में फटाके छोड़ता रहता है फिर बाद में सारा फूंक देते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में भी, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में धमाके होते रहेंगे, और हिरोशिमा नागासाकी की तरह बड़े बड़े दुनिया के शहर नेस्त नाबूद होते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन आती रहेगी सबके पास, खलास तो होना है कि नहीं होना है, तो वो तो धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सब एक साथ खलास होगा तो कोई नहीं बचेगा। तो जो 100 साल का संगम युग है, तब तक अगर प्रॉपर्टी को काम में लगाने का बुद्धि में बात है, बर्बाद न जाए तो वहां लगाओ। दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत घट रही है और माउंट आबू में बढ़ रही है, तो कोई खास बात होगी ना। भारत बचेगा, जो बचेगा वो उसमें सारे भारत में बर्फ ही बर्फ नहीं होगी है? कि प्रॉपर्टी बनी रहेगी, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। और कभी कभी आपके झूठ बोलना पड़ता है कि पाप बनेगा। झूठ और सच्ची की परिभाषा क्या, झूठ है क्या, सच्चा है, ये कौन बताएगा? झूठ माने पाप और सत्य माना पुण्य। क्या पुण्य है क्या पाप है, पाप और पुण्य की गुह्य गति कौन बताता है? कोई मनुष्य बता सकता है? नहीं, बाबा ने बताई है। क्या बताई है? क्या अभी रिहर्सल हो रही है? पापी बनने की या पुण्य आत्मा बनने की क्या हो रही है? अभी रिहर्सल हो रही है। हम अगर झूठ ही झूठ बोलते रहेंगे, पाप ही पाप करते रहेंगे, तो हमारे संस्कार पाप के बनेंगे, झूठ के बनेंगे या सत्य के बनेंगे? हैं? संस्कार पड़ जाएंगे आत्मा में, झूठ के, छल के, फरेब के, पाप के, फिर हमारा चेहरा कैसा बनेगा? है राक्षसी चेहरा संसार में प्रत्यक्ष होगा। भक्ति मार्ग में अजंता एलोरा की, एलिफेंटा की गुफाएं बनेंगी, उनमें चित्रकारी होगी, तो किसी के देवताई चित्र होंगे प्रत्यक्ष, और कोई के राक्षस राक्षसियों के चित्र प्रत्यक्ष होंगे।
तो क्या करना चाहिए? धर्त परिये पर धर्म ने छोड़िए। इसमें पूछने की बात नहीं है, बंधन होती है माताओं को झूठ बोलकर है, काम करना पड़ता है। है बंधन जो आते हैं वो बंधन हमारे बांधे हुए हैं या कोई दूसरे ने हमको बांध दिया है? हम नहीं बंधन बांधे हैं, उन बंधनों से हमको ही मुक्त होना है। तो बात युक्ति बताते हैं कि इसी युक्ति से काम करो। तो बंधनों से छूट जाएंगे। और बाबा 2036 में पहले राधा कृष्ण का जन्म होगा कि बाद में होगा? 2036 जो टाइम बताया है वो विनाश और स्थापना दोनों का टाइम बताया है या सिर्फ विनाश का बताया है या सिर्फ स्थापना का बताया है? 100% स्थापना और 100% विनाश कब तक होगा? 2036 तक। और जो 100% स्थापना 100% विनाश होगा वो मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर होगा, यह प्रैक्टिकल में होगा? है बाबा ने तो मुरली में कहा शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो मन बुद्धि के अंदर स्थापना होगी, नई दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा या प्रैक्टिकल में बनेगा? कुछ विशेष आत्माएं होंगी जो पुरुषार्थ के आधार पर अपना वाइब्रेशन, अपना वायुमंडल ऐसा अच्छा बना लेंगी कि उस वाइब्रेशन वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगी, देह का ममत्व छोड़ेंगी, आत्मा ऊपर उड़ेगी। तो अच्छे वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और दुखी वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। अभी सारी दुनिया में नरक है। तो बाबा 36 के बाद ही होगा माने हम अपना वाइब्रेशन 36 से पहले नहीं बढ़िया बना सकते? बना सकते हैं तो बनाएंगे। ये आत्मा के परिवर्तन की बात है। शरीर के 5 तत्वों के परिवर्तन पहले होगा कि आत्मा का परिवर्तन पहले होगा? आत्मा ज्ञान से परिवर्तित होती है, वो भी मनुष्य आत्मा परिवर्तित होती है, पशु पक्षियों की आत्मा परिवर्तित नहीं होती। जब आत्मा का परिवर्तन होगा तब बाद में शरीर के 5 तत्वों का भी परिवर्तन होगा। जैसे पूरी है तेल में डाली, पूरी पकेगी तो ऊपर आएगी, अधूरी पकेगी तो नीचे रखी रहेगी, ऊपर आ जाएगी, नीचे ही रखी जाएगी। ऐसे ही ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ऐसे नहीं कि हम थोड़े तत्व प्रधान बन गए, 50% हमारे संकल्प सुधर गए तो 50% हमारे शरीर के 5 तत्व भी तत्व प्रधान बन जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। आत्मा का परिवर्तन होगा, फिर बाद में 5 तत्वों की सृष्टि का परिवर्तन होगा। और आपका अखंड याद बना रहे तीन क्या पुछा? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन की याद होगी। तन हम अपने बाल बच्चों की सेवा में ही लगाए दें तो मन कहाँ जाएगा? भगवान में जाएगा? है तो नहीं जा सकता। तन की सारी सेवा कारखाना बनाया हुआ है,
सुबह से लेकर शाम तक रात के सोने तक उसमें सेवा कर रहे हैं, सारे तन की ताकत लगा रहे हैं। तो रात में सोते सोते कारखाना याद आएगा या भगवान याद आएगा? कारखाना याद आएगा। तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन की याद होगी, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारे मन की याद होगी। इसलिए सदैव मन भगवान की याद में लगा रहे, उसके लिए क्या करना है? जप जप कर। तो 63 जन्म करते आए, मुंह से जपने से क्या होता है? नहीं, अभी अभी भी नहीं समझ में आया है? नहीं, वही तो पूछ रहे हैं कि सदैव याद बनी रहे उसके लिए क्या करें? अभी तो बताया, जहाँ तन की ताकत लगाएंगे वहाँ मन की याद जाएगी। मने तन की ताकत का किसकी सेवा में लगाना चाहिए? ईश्वर की सेवा में तन की ताकत जितनी लगाएंगे तो बाबा की याद आएगी। बाबा भी कहते हैं, मैं किन बच्चों को याद करता हूँ? जो सेवादारी बच्चे हैं उनको मैं याद करता हूँ, चाहे वो वाचा से सेवा करते हैं, चाहे वो तन की भागदौड़ से सेवा करते हैं, और चाहे वो अपने जिंदगी में कमाए हुए धन से सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, तो मैं उन बच्चों को याद करता हूँ। तो तरीका बता दिया क्या? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सिर्फ तन की बात थोड़ा ही बताई, हमारे पास जो भी शक्ति है, शक्तियां तो हर मनुष्य के पास है ना कुछ न कुछ। हमारे पास तन है, हमारे पास मन है, हमारे पास धन है, हमारे पास वाचा है, हमारे पास दृष्टि की एकाग्रता है। कोई की दृष्टि ज्यादा टिकती है और कोई की दृष्टि बंदर की तरह रहती है। तो जो चंचल दृष्टि है वो दृष्टि से सेवा नहीं कर सकता। जिसकी दृष्टि जितनी ही ज्यादा एकाग्र होगी वो दृष्टि से उतनी ही सेवा कर सकेगा। तो तन मन धन समय संपर्क और संबंध, इन सब प्रकार की शक्तियों को जहां जहां लगाएंगे वहां वहां मन जाएगा जरूर। कोई के बहुत संबंधी होते हैं इस दुनिया में, उन संबंधियों के नजदीक जाकर के उनसे ऐसी बातें करना जो ईश्वरीय सेवा जिनसे हो सके, उनकी बातों के प्रभाव में नहीं आना, लेकिन उन संबंधियों को ईश्वर की ऐसी बातें सुनाएं जिससे वो ईश्वर के प्रभाव में आ जाए, ईश्वर की वाणी के प्रभाव में आ जाए, तो संबंधियों की सेवा हो गई। हमारे पास जो भी समय है, समय तो बहुत बेकार चला जाता है ना, व्यर्थ समय कितना जाता है, काउंट करें तो ढेर सारा समय बेकार चला जाता है। उस समय को हम सफल करें। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की है? हाँ, समय की सबसे ज्यादा कीमत है। कोई के पास जाओ तो आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद आया, लेकिन क्या करें हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है। और बाबा माताओं को मोहजीत बनने के लिए क्या करें? फिर वही बात है। ये आदत होती है आत्मा की। बच्चा पैदा हुआ, माँ याद आएगी, कौन याद आएगा बच्चे को? कौन याद आएगा? माँ याद आएगी। ये आदत है कि जब बच्चा पिछले घराने को छोड़ करके आत्मा आई
और माँ के पेट में 9 महीने रही संग के रंग में, उसकी गोद में पल रही है, तो माँ याद आएगी। फिर बच्चा बड़ा हुआ, बाहर खेलने गया, तो माँ को याद करता है या संगी साथियों को याद करता है? कन्वर्ट हो गई याद है, याद कन्वर्ट होती रहती है। कन्वर्ट होने का तरीका है, बच्चा संगी साथियों के संग में खेलता है, रमण करता है, उसे रात में सपने भी उन्हीं संगी साथियों के आते हैं। फिर बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, टीचर के संपर्क में आता है, तो कौन याद आता है? टीचर याद आता है। माँ को तो बच्चे याद आता है। माँ को बच्चे याद आता है। अरे माँ के संपर्क में हमेशा रहता है क्या? बच्चे की बात हो रही है यहाँ अभी, माँ की बात नहीं हो रही। माँ का भी ऐसा ही है, पहले पति को याद करती है या बच्चे को याद करती है? पहले पति में बुद्धि लगी रहती है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लंबे समय तक बच्चा पेट में रहा, पति तो नहीं पेट में रहा, तो फिर किसमें बुद्धि ही लग गई? बच्चे में बुद्धि ही लग गई। इसलिए ये प्रवृत्ति है आत्मा की कि जिसके भी संग के रंग में आएगी, जिसका भी संग ज्यादा करेगी उसी को याद करेगी। टीचर बड़ा हो जाए, जब टीचर छूट जाता है तो बच्चा हॉस्टल में जाता है, ऊंची पढ़ाई पढ़ता है, तो वो प्रोफेसर वगैरह याद आते हैं। नौकरी करता है तो धंधेदोरी याद आने लग पड़ती है। तो ये कन्वर्ट बुद्धि को होने का एक मादा है। ऐसे ही माताओं को अगर अपना मोह चेंज करना है तो क्या करना है? किसका संग का रंग लेना है? बाबा के संग का रंग लेंगे तो बाबा की याद आएगी। जब दुनिया में हमारा याद चेंज होती रही तो अलौकिक दुनिया में क्या हमारी याद चेंज नहीं हो सकती? हाँ जी, राम बाप ने पहले शादी गीता से किया है, राधे पति से किया। राम बाप ने पहले शादी गीता माता से, शादी शादी राजी शादी, बाबा तो कहा बस शादी बर्बादी, राम वाली आत्मा ही शादी बर्बादी करेगी तो फिर औरों का क्या हाल होगा? हाँ, अब उनकी उनकी हिस्ट्री तो दीदी दादियों के पास होगी या बाबा के पास है? मुरली में बताया है कि इन दीदी दादियों के पास उनके सारे फोटो रखे हुए हैं, सारी हिस्ट्री उनके पास है। हाँ, मुरली में थोड़ा बहुत जो कुछ बताया है उससे साबित होता है कि जो भागीदार था वो बाबा का बहुत नजदीकी था। बाबा को दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास था तो वो व्यक्ति कौन था? भागीदार। अपनी सारी दुकान किसके ऊपर सौंप दी? भागीदार के ऊपर सौंप दी, एक पैसे का हिसाब भी नहीं लिया, तो विश्वास पक्का था ना, बहुत नजदीकी था ना बाबा का, इतना तो पक्का है। हाँ, यज्ञ में 2 माताएं थी, ये भी मुरली में जिक्र आता है। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, तो एक थी या कम से कम 2 थी? 2 थी। एक तो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन ही थी जिसके ऊपर बाबा को बहुत विश्वास था, अपनी पेट की पैदा हुई बच्ची ही उनको गोद दे दी, निर्बल शांता अपनी बहन को दे दी थी परवरिश करने के लिए। तो उस बहन के प्रति, बड़ी बहन के प्रति सम्मान प्यार था या नहीं था? था। हाँ बाबा, राम सीता उनके अच्छे से अच्छे दास दासी बनते हैं। किनके? राम सीता।
किनके अच्छे से अच्छे व्यास दासी बनते हैं? किसके? उनके अच्छे से अच्छे व्यास दासी बनते हैं। किनके? उनके राम सीता उनके अच्छे से अच्छे दास दासी बनते हैं। माने किनके अच्छे से अच्छे दास दासी बनते हैं? राधा कृष्ण के दास दासी बनते हैं। सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनके राम सीता दास दासी बनेंगे? हाँ, वो बाबा ने इस तरह समझाया कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के दास दासी से भी ज्यादा होते हैं। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, 9 महीने पेट में रखा, टट्टी पेशाब साफ की, दास दासियों का काम क्या होता है? यही तो काम होता है, वजन उठाना, सफाई करना, पढ़ाना लिखाना, उनके पीछे पैसा खर्च करना, और जब बड़े हो जाएं तो सारी जिंदगी की कमाई की हुई उनको सौंप देना। इससे बढ़िया दास दासी कोई मिलेंगे है? नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से बाबा ने बोला कि राम सीता जो हैं वो राधा कृष्ण के अच्छे से अच्छे दास दासी होते हैं, और सभी माँ बाप अपने बच्चों के दास दासी होते हैं। ये खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। हाँ जी बाबा, के शिवलिंग अंदर है, मकान के अंदर नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, क्यों बाबा? जो घर होता है अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है या राक्षसी घर बनाना है? क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है। और शिव बाबा राक्षसों की दुनिया में आता है या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आता है? कहाँ आता है? राक्षसी दुनिया में आता है। तो राक्षसी दुनिया माने कांटों का जंगल, क्या ये सारी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। और इस कांटों के जंगल में नरक की दुनिया में बाप स्वर्ग का वर्षा देने आते हैं। तो जो स्वर्ग का वर्षा बनता है, स्वर्ग स्वर्गीय वातावरण का जो नमूना बनता है वो लक्ष्मी नारायण का घर होगा पहले या किसी दूसरे का घर होगा? है लक्ष्मी नारायण का घर होगा। वो जो लक्ष्मी नारायण का घर होगा वो विष्णु का राज्य कहा जाएगा या रावण का राज्य कहा जाएगा? तो जहाँ विष्णु का राज्य हो, विष्णु का मंदिर हो, विष्णु का घर हो, वहां शिवलिंग स्थापन होगा। शिव प्रवेश करके धोबी घाट बनाएगा? हैं? नहीं बनाएगा। धोबी घाट बाप आकर के गंदी दुनिया में बनाते हैं, नई दुनिया में बाप नहीं आते हैं। वो मंदिर है नई दुनिया। बाबा हाँ, पुरुष को क्यों गुस्सा आता? बहुत हमें गुस्सा आती है, हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है कि पुरुषों को शिव बाबा ने दुर्योधन दुशासन क्यों कह दिया? अच्छा, दुर्योधन का मतलब होता है दुष्ट युद्ध करने वाला, दु माने दुष्ट और युद्ध माने लड़ाई झगड़ा। कैसा लड़ाई झगड़ा करने वाला? दुष्टता का लड़ाई झगड़ा करने वाला, माने अपनी चलाएगा। पुरुष प्रवृत्ति क्या करेगी? अपनी चलाएगा घर में, पत्नी बहन बच्ची इनकी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। कोई तो सुनेगा ना बाबा, कोई तो सुनेगा ना। अगर 1% सुनेगा तो 99% नहीं सुनेगा। घर घर की यही हालत है। दुनिया में कहीं भी देख लो जाकर के,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पुरुषों के हाथ में तन की ताकत कन्याओं माताओं के मुकाबले जास्ती है या कम है? लाठी किसके हाथ में हुई? पुरुष के हाथ में लाठी है। बुद्धि की ताकत कन्याएं माताएं घर में रहती हैं और पुरुष चारों तरफ दुनिया में डोलता है। ज्यादा बुद्धि विशाल किसकी हो जाती है? हैं? पुरुषों की। तो बुद्धि की प्रबलता के आधार पर भी कन्याएं माताएं जो हैं वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठा दी गई हैं आज की दुनिया में। मिनिस्टर कलेक्टर बनाई जा रही है, अच्छी अच्छी नौकरी पर बैठाई जा रही है, पार्षद बना दिया जाता है, मंत्री बन जाती है, लेकिन उनको चलाता कौन है फिर? है उनके अंदर जो घर में बैठे हुए हैं वो उनके इशारे पे चलती है। जैसे आज इंडिया का राष्ट्रपति सरकार चलाता है कि मंत्री सरकार चलाते हैं? है मंत्री सरकार चलाते हैं और जो राष्ट्रपति है वो रबर स्टाम्प बन जाता है। तो कारण क्या हुआ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। माने आज की दुनिया में स्त्रियां जो हैं, कन्याएं माताएं जो हैं, वो प्रबल हैं, बलवान हैं या अबला हैं? हर तरीके से अबला हैं। बाबा मिलने के बाद भी अभी शिव की शक्तियां कही जाएंगी। शिव की शक्तियां हैं, बन रही है, जलेबी बन रही है, बन तो नहीं गई, पूरी पक रही है, पक तो नहीं गई। तो शक्तियां हैं या अबला है? अबला है। तो जो प्रबल होता है वो अपना राज अपना अपनी चलाता है, अपना राज्य चलाता है। होना चाहिए आत्मिक स्थिति, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। जैसे हम आत्मा हैं, हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी क्या है? आत्मा है। हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई का समान हक है। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा ब्राह्मण परिवार है, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो स्त्री पुरुष का दृष्टि हमारी में पक्के होना चाहिए या आत्म की स्थिति पक्की होनी चाहिए? आत्म की स्थिति पक्की होनी चाहिए। तो हर बात में समानता होनी चाहिए, लेकिन क्या परिवारों में समानता है? है नहीं है। तो पुरुष दुर्योधन है और दुशासन है, जिनका दुष्ट शासन होता है। स्त्री विकार नहीं भोगना चाहती है और अकेले में पाकर के एकांत में रह करके पुरुष अपनी जबरदस्ती किए बगैर नहीं रहता है। तो ये दुष्ट शासन की वृत्ति नहीं हुई, मारपीट कर देता है, बांध देता है, ये दुष्ट शासन नहीं है, है? तो ये दुष्ट शासन कन्याएं माताएं करती हैं या पुरुष लोग करते हैं? है? पुरुष ही करते हैं। तो मानना पड़ेगा कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, ए टू जेड, प्रजापिता से लेकर के और 500 करोड़वां पत्ता जो है वो सब जो पुरुष चोले में है सब दुर्योधन दुशासन प्रबल है। हाँ ये हो सकता है कोई परसेंटेज में कम हो
और कोई परसेंटेज में ज्यादा हो, कोई बुद्धि ज्यादा चलाने वाला है, कोई बुद्धि नहीं चलाता है, जानवर है। जानवर को विकार का आवेग आता है तो सोचता है या सीधा कर बैठता है, है? सीधा कर बैठता है, वो सोचता नहीं है। और पुरुष जो जो मनुष्य है वो सोचता है। तो पुरुषों में भी कोई जानवर वृत्ति के हैं और कोई देवताई वृत्ति के हैं। जो देवताई वृत्ति के हैं उनमें भी नंबर वार हैं, कोई ब्रह्मा जैसे देवता वृत्ति के हैं, कोई विष्णु जैसी देवता वृत्ति के हैं और कोई शंकर जैसी देवता वृत्ति के हैं। शंकर को महादेव कहा जाता है, माने ज्यादा विचार कौन करता होगा कर्म करने से पहले, ब्रह्मा करेगा विष्णु करेगा या शंकर करेगा विचार ज्यादा है? जिसको ज्यादा बुद्धि होगी वो उतना ही ज्ञान की बातों पर ज्यादा विचार भी करेगा। और बाबा छोटा मेल में है ना, इसका मनन चिंतन किया है, इसका मनन चिंतन किया छोटा मेल में, ऊता मेल में अपनी गलतियों का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। हमने कौन सी खामी है, कौन सी गलती की सारे दिन में जो हमारे दिल के अंदर खाती रहती है, या अपने जीवन में हमने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो गलतियां हमें बार बार याद आती हैं। हम याद में बैठते हैं, बाबा को याद करना चाहते हैं और वो किया हुआ पाप याद आ जाता है। तो वो चाहे काम विकार का पाप हो, चाहे क्रोध विकार का पाप हो, चाहे लोभ विकार का पाप हो, कोई भी पाप हो जो बार बार याद आता है, बार बार तंग करता है, बाबा की याद से दूर कर देता है, वो पोता मेल कहा जाता है। उसको लिखो बैठ के, और लिख कर जो बाबा को देने से आधा माफ हो जाएगा। सो भी पहली बार आधा माफ हो जाएगा। कोई कहेंगे जब जब हम करेंगे उल्टा काम तब तब हम लिख लिख करके देते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, रोज लिख के देते रहेंगे, तो हमेशा आधा माफ होता रहेगा क्या? नहीं, फिर माफ होने की परसेंटेज घटती जाएगी। और कितना मनन चिंतन किया है, कितना मनन चिंतन किया, हाँ कैसे करें, कितना मनन चिंतन किया, हाँ कितना, हाँ कितना काम किया, मनन कर्म इंद्रियों से कितना कर्म किया, कितना बैठ करके हमने नई नई बातें ज्ञान की बातों पर मनन चिंतन मंथन किया, ये पता नहीं चलता है। आज सारे दिन में हमारी ज्ञान के ऊपर कुछ मनन चिंतन मंथन चला या नहीं चला? चला होगा तो याद आएगा, नहीं चला होगा फालतू बातों में हमने अपना टाइम सारा दिन बिता दिया तो याद कहाँ से आएगा। इतना परसेंटेज में रखने हैं क्या? परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा कीमिया गाड़ी से देखेंगे तो टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितने घंटे हमने चिंतन मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगाई। मान लो मुरली ही पढ़ते हैं, बाबा ने कहा मुरली 5-6 बार पढ़नी चाहिए तब ही पूरा बुद्धि में बैठेगी, तो कोई मुरली हमने 6 बार पढ़ी, 6 बार पढ़ करके और मुरली के एक एक वाक्य पर मंथन किया कि इसका बाबा क्या अर्थ लगाना चाहते हैं, क्यों बाबा ने ये बात बार बार बोली है, तो उसको कहेंगे मंथन। तो पता नहीं लगेगा कि हमने ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में कितना टाइम लगाया, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बाबा अभी हम मुरलियां तो नहीं पढ़ते हैं तो फिर है, मुरलियां पढ़ते तो नहीं, सुनते तो हैं। मुरलियां पढ़ना ज्यादा सहज है या सुनना ज्यादा सहज है? और अभी तो देखते भी हैं क्या?
सुनते भी जाते हैं और देखते भी जाते हैं, तो डबल बुद्धि में बैठना चाहिए, फिर तो और फायदा होना चाहिए। बाबा संगठन कहाँ होना चाहिए, गीता पाठशाला में या जगह जगह, यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत रखा है। हर व्यक्ति कहेगा कि हमारे घर में संगठन होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। या जो गीता पाठशालाएं निमित्त बनी हुई हैं, जो सबकी जानकारी में है एड्रेस, वहाँ संगठन रखना अच्छा है। जानकारी में है 100 आदमी ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, और एक को देख करके दूसरा भी कहे कि हमारे घर में रखो, हमारे घर में रखो, हमारे घर, और सबको आप अलग अलग घरों में दौड़ना पड़े, तो अच्छी बात है। भटकने वाली बात हो गई या एकाग्रता वाली बात हुई? भटकने वाली बात हो गई। गीता पाठशाला है भगवान का घर, भगवान का स्कूल, जहाँ भगवान आकर के कम से कम एक बार पढ़ाई जरूर पढ़ाता है। तो जहाँ भगवान प्रैक्टिकल में आकर के पढ़ाता है, वो जगह याद रहेगी कि हर व्यक्ति का घर याद रहेगा? हैं? हर व्यक्ति के घर को याद करना है या भगवान जहाँ आकर के पढ़ाई पढ़ाता है वो याद करना है? वो याद करना अच्छा है। तो यहाँ जैसे सेवा स्थान है, गीता पाठशाला तो एक ही है, है? गीता पाठशाला तो एक ही है ना? हाँ, एक ही है अभी तो, यही है खाने का। क्यों? एक युगल जोड़ी का। जहाँ भी कोई युगल है, एडवांस में है, निश्चय बुद्धि बन चुका है, निश्चय पत्र लिख चुका है, ईश्वरीय सेवा में समय देने के लिए तैयार है, और उसके परिवार उस घर में 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, रेगुलर क्लास चलता है, तो उसको गीता पाठशाला नहीं मानेंगे? बाबा मना कर देगा? बाबा क्यों मना कर देगा? सारी अर्हताएं मौजूद है, हिंदी जानने वाला है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, वो नेपाली जानती हैं, हिंदी नहीं जानती हैं, तो उनको बाबा की मुरली VCD में सुनाई जा रही है, तो उसका अनुवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हिंदी जानने वाली माता होगी तो वो नेपाली में अनुवाद करेगी? तो ऐसे टीचर, ऐसे युगल जो बाबा की भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, जिज्ञासुओं को बैठ करके उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे युगल तो हम भी हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत है बहू बेटे हैं। हाँ, तो फिर हमारे घर में तो गीता पाठशाला, स्वतंत्र घर हो तो ज्यादा अच्छा है। कोई घर ऐसे होते हैं कि घर में बड़े बड़े विशाल हृदय वाले हैं, 5 भाई हैं, 5 उनकी युगल हैं, बाल बच्चे हैं, अलग अलग उनका कमरा है, और 5 ऐसे विशाल हृदय हैं कि कोई किसी धर्म को माने, मानने दो, हमें क्या, हम जिसको अच्छा समझते हैं हम उसको मानेंगे। तो ऐसी जहाँ स्वतंत्रता है, उस घर में गीता पाठशाला खोली जा सकती है। हाँ, हैं, चल सकती है वहाँ? क्यों नहीं चल सकती है? बेटा वो साथ में रह रहा है तो चल सकती है? बेटा नहीं, विकारी व्यक्ति नहीं साथ में रहना चाहिए। विकारी व्यक्ति, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, गीता पाठशाला में नहीं रहना चाहिए। वहीं गंध करते रहेंगे, वहीं गीता पाठशाला चलती रहेगी, तो वाइब्रेशन आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? हैं, टकराएंगे। और एक अकेली माता भी मान लीजिए 10-15 जना को क्लास करा रही है, वहाँ मुरली चल रहा है, तो वो भी तो गीता पाठशाला नहीं होगा ना बाबा? मतलब विधवा माता नहीं, वो उसका पति नहीं चलता है ज्ञान में। पढ़ाने वाला टीचर, उसको स्टूडेंट सैंपल के रूप में देखेगा या नहीं देखेगा? तो हमारा जो लक्ष्य है
ब्राह्मण जीवन का क्या है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो युगल है ही नहीं, निवृत्ति में स्थान पर ऐसे घर पर तो रेगुलर क्लास जो होता है 5-10 आत्माएं इकट्ठी होती है पर सेवा स्थान खुद ही युगल भी क्लास करते हैं और माताएं भाई लोग भी क्लास करते हैं, उसको गीता पाठशाला का मान्यता नहीं होगी, किस सेवा स्थान का मान्यता नहीं होगी, किस स्थान को भाई मैंने बताया क्या हमारे घर में एक आदमी बात करो, हाँ आपके युगल है मान लीजिए हमारे भी हैं और एक भाई के वहाँ भी युगल है ये लोग, हाँ हमारा लेकिन घर में बेटा बहू है, बेटा बहू भिखारी है, हाँ। तो क्यों क्लास चल रहा है बाबा, क्लास चल रहा है हाँ, तो, तो, तो वो वैलिड क्लास नहीं है, मतलब 10 जना जैसे दूर है, आप एक तरफ मेहनत करते जाएंगे दूसरी तरफ भिखारी वाइब्रेशन आने वालों को चौपटा करते रहेंगे, तो फिर क्या करें, क्या किया जाएगा, क्या करें, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फालो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने लड़कों के साथ, ब्रह्मा बाबा ने अपने लड़कों के साथ क्या किया, गेट आउट, बाप का बच्चा है तो बाप के कंट्रोल में होगा, बाप की रचना नहीं है तो रचयिता के कंट्रोल में भी नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि हम मान लीजिए कोई बेटा को नहीं छोड़ सकते हैं तो क्लास चलाना चाहिए कि नहीं, भिखारी बेटा को नहीं छोड़ सकते, भिखारी बहू को नहीं छोड़ सकते, तो गीता पाठशाला चलाने की जबरदस्ती क्यों करना, तो बाबा हम लोग आप सभी यहीं आकर क्लास करना है, है? नहीं, वही सेंटर में आकर क्लास करना होगा रोज रोज, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, आप अपना जीवन बनाना चाहें तो बनाएं, अच्छा संग करें, नहीं बनाना चाहें तो जैसे में रहेंगे वैसा आपको प्राप्ति होगी, ये भी ये सब क्लास करवाना नहीं चाहिए, नहीं बाबा जैसे कि कोई माता आती है नजदीक, नहीं ज्ञान तो सुनाना है, जैसे बाबा क्या होता है ना कि दूर पड़ गया मान लीजिए दूर दूर है तो रोज क्लास नहीं मिल रहा है किसी को, यहाँ आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्लास करना वो तो अच्छी बात है, क्लास माने संगठन, लेकिन संगठन भी प्योर हो या इम्प्योर हो तो भी चलेगा, वही तो पूछ रहा है, आपको संग का रंग कैसा लेना है, प्योर का लेना है तो फिर थोड़ा चलना भी पड़ेगा, नजदीक नहीं है तो, नजदीक नहीं है तो एक महीना में एक बार संगठन, महीने में एक बार भी संगठन में जाते हैं, महीने में एक बार भी अगर संगठन अटेंड कर लेते हैं तो भी ताकत आती रहेगी, बंगलौर है एडवांस ज्ञान में सबसे पहले बंगलौर निकला कर्नाटक दक्षिण भारत में, और शुरू से लेकर के अब तक बंगलौर वाले महीने में एक संगठन करते हैं, तो फिर वो लोग मुरली बाबा कैसे सुनते हैं, घर में सुनते हैं, दूर दूर के हैं, वही तो घर में मुरली सुनते होंगे, एक संगठन जरूर कर लेते हैं, लेकिन घर में मुरली तो सुनते हैं, तो मतलब 4-5 आत्मा इकट्ठी होके, वो बात एक अलग है, लेकिन वैलिड गीता पाठशाला अगर चलानी है तो ये सारी बातें होनी चाहिए, जैसे बाबा इनके घर में क्लास चल रही है वहाँ पर 7-8 आत्माएं अगल बगल की जो भी है भक्ति की भी क्लास चल रही है, तो मान लीजिए यहाँ आने तो रोज पॉसिबल नहीं है, और हर माता के घर में VCD भी नहीं है, रोज क्लास भी नहीं कर सकती है, तो फिर उनका उपाय अगर वो क्लास कर रही है तो गलत है कि सही, ठीक है, देखो ये तो हर एक आदमी जो है वो अपना संग का रंग कितनी क्वालिटी का लेना है वो उसके अपने ऊपर निर्भर करता है, उनकी बुद्धि में इतना नहीं बैठा हुआ है कि संग के रंग का महत्व क्या होता है, तो नीची क्वालिटी का मिलेगा तो वो भी ले लेना, न लेने से तो लेना अच्छा है या नहीं है, वही तो बाबा अगर मान लीजिए कि क्लास ही नहीं करेंगे तो पूरी मुरलियां ही छूट जाएगी ना बाबा एकदम पूरी टोटल, जहाँ तक क्लास की बात है हमारे घर में 10 सदस्य हैं और 2 ज्ञान में चलते हैं,
हम दो ही बैठ करके मुरली चल रहे हैं तो भी हमारा क्लास नहीं है क्या? क्लास माने संगठन, दो इकट्ठे बैठ करके सुनेंगे, लेन देन करेंगे विचारों का, वो क्लास नहीं है? वो भी क्लास। खाना को लेकर थोड़ा झंझट चल रहा है, मुझे मतलब क्या होता है ना, हाँ झंझट चल रहा है संगठन में, खाना खिलाया जाए कि नहीं खिलाया जाए, नाश्ता कराया जाए कि नहीं कराया जाए, इस बात को लेकर। हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक हर व्यक्ति अपना धंधा धोरी कर रहा है कि नहीं? पेट के लिए कर रहा है। 8 घंटे धंधा धोरी में जाते हैं तो खाना खा के जाते हैं 8-9 बजे या नहीं जाते हैं? खाना खा के जाते हैं। शाम को जब लौटते हैं तो आकर के घर में खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो यहाँ 2-3 घंटे का जो संगठन में आते हैं उसके लिए जरूरी है कि जहाँ जाते हैं वहीं खाना खा के आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा का भोजन लेना है हमारा लक्ष्य, या धामा खाना, भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों का धामा खाना हमारा लक्ष्य है? 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 वही है, नहीं देना क्या भोजन के लिए? है भोजन को लेकर सब जो क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, वो क्या होता है ना बाबा? हाँ, कोई कोई आत्माएं तो खाना नहीं चाहती है, मतलब बना लेते हैं, कोई आत्मा नहीं खाना चाहती इस बोल के संगठन में थोड़ा हलचल जैसा हो रखा है। हलचल इसलिए होती है कि कोई की धारणा कैसी और कोई की धारणा कैसी, कोई पवित्र रहता है नहीं रहता है, कोई किसी के अंदर साथ में घुसा बैठा है कि नहीं? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कोई गुस्सा नहीं बैठा है। हाँ, बनाएंगे संगठन रखे हैं बाबा के घर में, हाँ रखा है कालीमती में, हाँ तो वहाँ संगठन में कोई दूर से आते हैं इसलिए हम लोग खिलाते हैं। दूर से आते हैं तो कोई बात होगी, तो अब दो घंटे की रास्ता है बाबा। बहुत से ऐसे ऑफिस में काम करने वाले होते हैं जो 2 घंटे साइकिल पर सवार होकर के ऑफिस में जाते हैं, 2 घंटे ट्रेन में जाते हैं, 2 घंटे बस में जाते हैं, 2 घंटे आते हैं, क्या खाना खाने की प्रॉब्लम उनको होती है? नहीं, खिलाना जरूरी। अरे जब एक जरूरी नहीं, जो पैसे वाले होते हैं उनको यही दमक रहती है कि हम अच्छा अच्छा खिला करके अपना बना लें। ऐसा नहीं है तो ये सब धंधा करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की दरकार ही नहीं है। हाँ, कोई दूर गांव से आया है, 4 घंटे आने में लगा, 4 घंटे जाने में लगा, अब हमें मालूम कि दूर गांव से आया हुआ है, सवेरे को जल्दी निकला घर से और यहाँ आकर के उसने 9 बजे क्लास अटेंड कर लिया, तो हमें मालूम है ना कि दूर से आया है, उसको खिचड़ी खिला देने में, दाल भात खिला देने में क्या अंतर है? वो बात ही अलग है। मन मत बड़ा आपले आपन कुछ ले करे तो पहला देखी जैसे कि हमने जाने ठीक है, मुझे हम साथ साथ काम को हमने से नहीं किया ना बाबा। हैं पहला हम यही सेंटर से तो हम लोग आपे तो खिलाते थे, तो पहले क्या करते थे भक्ति मार्ग में, क्या करते थे 63 जन्म क्या करते थे, उस समय भगवान नहीं आया था। बाबा इनका कहना है, हमने शुरू नहीं किया पहले, यहाँ 3 साल से चल रहा है ना, हमें ये नहीं देखना है कि कौन चला रहा है और कहाँ कैसा चल रहा है, हमें ये देखना है कि श्रीमत क्या कहती है, बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा का इंटेंशन क्या है, बाबा हमको कैसे चलाना चाहता है। इसलिए बाबा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चल रहे हैं, अब संगठन में खिलाना और खाना बंद कर दिया है। कितना टाइम वेस्ट होता है, उसी में बुद्धि चली जाती है बहुतों की। तो देखो तो बाबा 2 साल से ये संगठन क्लास हमारे घर में चल रहा है। हाँ जी, 2008 साल के 2009 से। हाँ जी, कभी 10-12 अपना, कभी 15 अपना रेगुलर क्लास, कभी। हाँ जी, हाँ जी, 2008 बाबा को कॉपी भी दिया था पहले बार। ठीक है, बाबा के सामने कॉपी देंगे, बाबा संगठन देख करके साइन कर देंगे, लेकिन वो संगठन किस क्वालिटी का है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला संगठन है या निवृत्ति मार्ग के वाइब्रेशन बनाने वाला संगठन है?
ये तो बाबा नहीं बता देंगे, ये तो आप जाने, आपके पास आने वाली जिज्ञासु जाने। बाकी क्लास न करने से करना अच्छा है, क्लास न करने से। अगर कोई का क्लास छूटता है, माता जी क्लियर नहीं कर पा रही है, बाबा का वैलिडिटी क्लास नहीं है, लेकिन क्लास तो करनी ही है ना, जैसे चल रही है। अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो सारे क्लास छोड़ देंगे फिर ये लोग तो। जिन्होंने कोर्स लिया है, जिन्होंने फोर्स भर लिया है, भगवान से पावर लेने की ताकत जिनको आ गई है, यानी भगवान के असली स्वरूप को पहचान लिया है, तो उनका क्लास न करने से करना अच्छा है। वही बोला ना, वही बोला था, वही। पर महिला संगठन में तो यह आना ही है, संगठन क्लास जरूर करना चाहिए। अच्छा बाबा, कोई कोई बच्चे होते हैं 2 महीना 3 महीना ही क्लास में नहीं आते हैं, तो उनको संगठन में बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बाबा तो कहते हैं कोई 3 महीने बाप को चिट्ठी नहीं लिखता है तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया। वो मर गया, पता नहीं कहाँ जाके जन्म लिया होगा, विष्णु पार्टी में गया है कि कौन सी पार्टी में गया है, किसकी बातें सुन रहा है। उसको हम बुलाएंगे भी तो ऐसे ऐसे कानी आंख से देखेगा या सीधी आंखों से देखेगा। फिर संगठन अच्छा बनाना है, शुद्ध संगठन बनाना है या मिसेटी वाला बनाना है, तो जो 2-2, 3-3 महीने आते ही नहीं है, बिल्कुल संपर्क ही नहीं है, कौन को बाबा के क्लास में तो कभी नहीं आने, बुलाना ही नहीं है। संगठन पनि संगठन को लागि तो बाबा ले मनाई कर दिया कि जहाँ संगठन में कहीं पनि गएर जेला पनि अब खाने पनि होइन, खाने पनि होइन भनेर बन्द पनि गरिसकेको छ, होइन बन्द तो भइसक्यो, अब श्रीमत अनुसार साइन तो क्या देते हैं, साइन करने में क्या है, न करने से तो करना अच्छा है संगठन। हाँ जी, ज्यादा टाइम हो गया बांधेली माताओं के लिए, घर में जाके डांट पड़ेगी, उसका पाप हम सबके ऊपर पड़ेगा। क्या अव्यक्त वाणी क्या धारणा की? हाँ, मुरली ज्ञान है, मुरली में ज्ञान के पॉइंट आते हैं, ज्ञान सुनाता है शिव और धारणा के पॉइंट सुनाता है देवता, बड़े में बड़े देवता हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा उनके घर में एक जगह क्लास होती है, है? ये माता जो ही बोली है ना? हाँ माता जी पहुँचते हैं वो बैठा, माता जी पहुँच जाएंगे। अरे जाने दो, किसी को रोकते क्यों हो, घर में डांट पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो जो भी माता पूछी, हाँ इनके घर में भी क्लास होती है, हाँ 15 बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो संगठन तो नहीं रखना है ना बाबा, क्योंकि गीता पाठशाला वैलिड तो है नहीं वहाँ पर। हाँ जहाँ वैलिड गीता पाठशाला है वहाँ क्लास रखना है। हाँ, हाँ? बस मतलब क्लास कर रहे हैं तो कर रहे हैं। युगल तो है, युगल तो बेसिक में चल रहा है, मतलब झगड़ा होता है, वाइब्रेशन नहीं करते, तो 15-16 बुरी बुरी माता वो जिस संगठन में सत्संग में जाते हैं वहाँ कोई धनी दोरी है? अभी तो नहीं जा रहा, वहाँ कोई धनी दोरी नहीं है। और आप जिस संगठन में जाते हैं वहाँ कंट्रोलर कोई धनी दोरी है, तो अंतर नहीं पड़ेगा दोनों में, वाइब्रेशन का अंतर पड़ जाएगा। हाँ चलो, लेकिन संगठन न करने से करना अच्छा है। हफ्ते में 10 बार क्लास होती है। चलो न होने से सुबह से 5 बजे से 7 बजे, सोमवार 2 बार 1 बजे से 4 बजे।
शनिवार देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के हिसाब से रेगुलर क्लास होना चाहिए, रोज होना चाहिए, रोज क्लास गीता पाठशाला में। लेकिन बहुत सी गीता पाठशाला ऐसी हैं जहाँ कोई जाते ही नहीं है, 7 दिन में गुरुवार को या रविवार को संगठन हो जाता है, उसमें चले जाते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में भी तो भगवान की याद करते हैं ना, मुसलमान भगवान को याद नहीं करते, चलो मुसलमान ही सही। अरे आस्तिक तो है, नास्तिक तो नहीं है, रोज क्लास होना तो चाहिए रोज, लेकिन नहीं करते हैं तो 7वें दिन ही सही, नहीं रेगुलर क्लास तो होती है। हाँ, रेगुलर रेगुलर होती है, लेकिन रेगुलर होने के साथ सोने में सुहागा ये है कि पढ़ाने वाले लक्ष्मी नारायण हो, पढ़ाने वाले क्या हाँ, अगर युगल नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है तो फिर अंतर पड़ेगा। हाँ, चिट्ठी में जवाब आएगा ना बाबा को, है ये अभी तो पानी का पॉइंट देगा, क्या मूली की पॉइंट क्यों नहीं दे रहा, अभी तो पानी का पॉइंट देगा, क्या कह रही है मुरली पानी अलग होती है बाबा, और एक साधारण मुरली नहीं आती है, मुरली तक जाए। हाँ, दोनों में क्या फर्क है? अव्यक्त वाणी है जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, इन आँखों से ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं पड़ते, उसको कहते हैं अव्यक्त, वो है अव्यक्त वाणी। और शिव बाबा जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे उस समय साकार के द्वारा जो वाणी चलती थी तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो सॉलिड रहती थी, गुम नहीं होती थी। क्या व्यक्त में उनको सब बात का अनुभव होता था, उसको कहेंगे व्यक्त वाणी, वो व्यक्त वाणी है मुरली। और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में जो प्रवेश करते हैं वो मुरली नहीं है, अव्यक्त वाणी है। इसलिए पत्ता में जवाब आता है ना, अव्यक्त वाणी के पॉइंट क्यों, अव्यक्त वाणी है तो ब्रह्मा बाबा की वाणी है, चिट्ठी में देवता की वाणी है। नहीं बाबा ये बोल रही है, है? जो चिट्ठी आप बाबा के भेजते हैं ना, हाँ, उसमें अव्यक्त वाणी का ही पॉइंट क्यों देते हैं, मुरली का पॉइंट क्यों नहीं? नहीं मुरली के भी पॉइंट होते हैं, मुरली के भी होते हैं, अव्यक्त वाणी के भी होते हैं। हमारे लिए सैंपल ब्रह्मा की भी वाणी है और मुरली भी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो गुलजार दादी से बोल रहे हैं या आप तक जो कुछ बोला है उसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को काटने वाला हो, कोई है? एक भी महावाक्य ऐसा नहीं जो मुरली को काट रहा हो, तो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? वो माँ की वाणी है, वो बाप की वाणी है, हमें माता को भी मानना है और बाप को भी मानना है। आप भोजन बनाते समय कैसे बाप को याद करें, कैसे खाएं भोजन के बारे में? याद करने की तो बात ही छोड़ दो, कभी आपने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को कैसे याद करें, अपने पति को कैसे याद करें, पति से पूछा कभी? अरे जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है, ये तो पूछना ही रंग हो जाता है कैसे याद करें। कुछ भी काम करते समय जिससे भी लगाव होगा वो ऑटोमेटिक याद जरूर आएगा। बाबा यहाँ पर अब 2 गीता पाठशाला हो गए हैं ना, हाँ, तो महीना में एक संगठन, एक महीना में एक जगह, एक महीना में एक जगह होगा, अच्छी बात है। ऐसे रखने से अगर दोनों गीता पाठशालाओं में कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ रही है, त्रुटि मतलब बाबा? त्रुटि माने जैसे अभी कई बातें निकली ना, तो सब तरीके से ठीक है, तो क्यों नहीं है, दोनों जगह है संगठन क्लास हो सकता है, महीना में एक वहाँ, एक महीना में एक जगह, एक महीना में एक जगह, ऐसे कर लो, चाहे महीने में ही 2 बार कर लो। नहीं महीने में 2 बार तो सबको दिक्कत होता है बाबा। अच्छा, हाँ, सब जाने में सबको दिक्कत, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसे सबको अनुकूल हो वैसे कर लीजिए।
अभी प्रजातंत्र राज्य है या राम राज्य है? हम हर हफ्ता घूम नहीं सकते। हाँ 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 ठीक है, ऐसे कर लो। संगठन कितने घंटे का होना चाहिए बाबा? यहाँ तो एक घंटे का होता है। यहाँ एक घंटे का हो रहा है संगठन जैसे याद। आधा घंटा याद में बैठना जरूरी है, तभी पूरा। आधा घंटा याद में बैठेंगे संगठन में, उसके बाद बाबा की वाणी सुनेंगे तो अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगी, क्योंकि बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उसका गहरा अर्थ समझ में आएगा। तो आधा घंटा याद में बैठना जरूरी है, और वो आधा घंटा मुरली सुने या एक घंटा मुरली सुने, ये आपके संगठन के ऊपर है। जितना जो टाइम अगर सब लोग ज्यादा दें, एक घंटे का दें तो अच्छी बात है, आधा घंटे का दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है। दो घंटे का तो होना चाहिए ना बाबा, है? कम से कम दो घंटा तो होना चाहिए। हाँ तो अब वार्तालाप आता है, आधा घंटा वार्तालाप सुना, आधा घंटा बाबा की मुरली सुनी। जब मुरली सुनते हैं तो उसका ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है। अच्छा, तो अच्छी बात है।